हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। तो दोस्तों ये प्रेसिंग टेबल जब चलती है तो इसमें धुआं निकलने लग रहा है, बिल्कुल इसका ब्लोअर बिल्कुल स्लो हो गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आपको दिखाएंगे कि ये जब चलाया जा रहा है तो इसमें धुआं निकल रहा है, मतलब इतनी स्माइल से आ रही बदबू से जैसे कि मोटर जल रहा है जा रही है। तो ये दोस्तों ये रामसंस की वैक्यूम प्रेसिंग टेबल है, इसके साथ पोर्टेबल बॉयलर 10 लीटर का लगा हुआ है। तो इसको हम चलाते हैं तो इसमें धुआं देना शुरू हो जाता है। तो हम इसको देखेंगे आखिर क्या यही कारण है कि इसमें धुआं दे रहा है, आखिर क्या हो सकता है। तो इसको हम सब पहले मोटर ना खोल करके इसकी हम कैपेसिटर चेक करेंगे। तो ऐसा कभी कभी क्या होता है कि कैपेसिटर देखो चलाने के बाद ब्लोअर बिल्कुल स्लो हो गया है, नाम मात्र का चल रहा है बस ये, लेकिन इसमें स्मेल से आ रही है। तो हम इसको तुरंत बंद कर देंगे और चेक करेंगे आखिर इसमें दिक्कत क्या है। देखिए हम इसको दिखा रहे हैं, नहीं चले तो ये प्रेस लगी हुई है, सिंगल फेस की है ये, ध्यान दे सिंगल फेस की है, सिंगल फेस की ये ब्लोअर इसमें जो लगा हुआ है मोटर, ये प्रेस हमारी रामसंस की प्रेसिंग टेबल है। तो चलो हम पीछे चलते हैं, पीछे की कवर पहले हम इसको खोल देते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेंगे आपका। तो हम पीछे कवर खोल देते हैं, दिखाते हैं आपको। इसमें देखो ये मोटर कैपेसिटर लगा हुआ था जो 15 MFD का था, और ये देखे इसके ये जो कैपेसिटर देख रहे इसकी पूरा एकदम से ये जल गया, फूक गया, इसकी जो भी है सब बाहर निकल गया है, पूरा फूक गया है। तो 15 MFD का है ये देखो, क्योंकि मोटर जाम होती है तभी इस कारण से ये कैपेसिटर हमारा ख़राब होता है। तो हम इसमें एक नया डालेंगे, नया डाल के फिर इसको हम चालू करेंगे, देखेंगे कि आखिर मोटर बढ़िया चल रही है या जाम है, तो इसको हम ज़रूर चेक कर लेंगे। तो चलो जो वायर जहाँ से निकाले थे हम कैपेसिटर के, वही वायर उसको हम वहाँ बांध देंगे। चलो इसको हम टेप ओप सब कर दिए हैं, अब इसको एक बार चालू करके देखते हैं कि मोटर की क्या स्पीड कम हो गई है या जैसे पहले थी तेज़ हो गई है। तो हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि मोटर बिल्कुल सही चल रही है हमारी, यानी कि कैपेसिटर ही फूका हुआ था। देखिए मोटर काम कर रही है, कपड़े को खींच कर रही है अपनी तरफ। तो दोस्तों ये अनिवार्य नहीं है कि धुआं दे, अगर सिंगल फेस की मोटर पे धुआं दे तो मोटर ही फूकी, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी कैपेसिटर भी फूक जाता है, तो कैपेसिटर इतना हीट हो जाता है कि वो धुआं देना शुरू कर देता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह आप वीडियो देखते रहें।